इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में मौसम लगातार बदल रहा है। सोमवार को जहां इंदौर में तेज धूप थी, तो वहीं मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहने से सूरज के तेवर थोड़े नरम हो गए थे, लेकिन बुधवार सुबह ही धूप फिर से निकल आई और राजस्थान से हवा आने से मौसम भी बदल गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का तापमान 37 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि रात का तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश के कई शहरों में तेज गर्मी की संभावना है, तो वहीं कई शहरों में इस बार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी और पिछली बार के भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जबकि संभावना जताई जा रही है कि 11 और 12 अप्रैल को देश के कई शहरों में बादल छाएंगे और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। फिलहाल इन दिनों तापमान में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जो न्यूनतम तापक्रम है वो हमको फिर कल से दिखाई दे रहा है, वो 20 डिग्री के पार कर गया। और जो बादल युक्त मौसम दिखाई दे रहा है उसकी वजह से हमको उमस का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापक्रम है ये 39 के ऊपर रहने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी अब 19 और 20 डिग्री के आसपास पहुँचने की संभावना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों में 1.5 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मौसम है वो बादल युक्त रहेगा, जिसकी वजह से उमस का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है 11 और 12 तारीख को कहीं कहीं पर हमको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। सर, बीते वर्ष की तुलना में इस बार मौसम ज्यादा गर्मी ज्यादा है। इस बार हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो अलमीनो का इफेक्ट है वो भारत में दिखाई देगा और भारत के लगभग 70 से 75% भागों में इस बार जो गर्मी है वो पिछले साल की तुलना में अधिक दिखाई देने को मिलेगी। और हो सकता है इस बार जो गर्मी की अवधि है, यानी ये कह सकते हैं कि जो दिन है वो दिन हमको बड़े हुए दिखाई देंगे और जो रात में भी जो ठंडा होता है वो हो सकता है कुछ घंटे उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस बार मालवा में जो गर्मी है वो हो सकता है पिछला रिकॉर्ड तोड़ के पार कर जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि जो लू चलने की जो अवधि है वो हो सकता है 1 सप्ताह से लगाकर 2 सप्ताह या 2.5 सप्ताह हो सकती है।